आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अपने पूर्व मंत्री संदीप कुमार के सेक्स सीडी कांड में आरोपों से घिरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साधा है सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना। आपको बता दें कि केजरीवाल ने राष्ट्रीय महिला आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा कि महिला जासूसी मामले में पीएम की भी जांच होनी चाहिए। केजरीवाल का पीएम मोदी पर अब ये पलटवार, उन्होंने कहा कि महिला जासूसी मामले में पीएम की भी जांच की जाए। हालांकि अभी फिलहाल केजरीवाल को ही सेक्स सीडी मामले में जवाब देना है महिला आयोग को, लेकिन अपने पूर्व मंत्री संदीप कुमार को पहले ही बर्खास्त कर चुके हैं, निकाल चुके हैं अरविंद केजरीवाल। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, क्या कुछ कहा है केजरीवाल ने इस पूरे मामले में, जब वो ये कह रहे हैं कि पीएम की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला तो दूसरा है जिस पर उन्हें जवाब देना है, लेकिन क्या मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल? देखिए, पिछले लगभग एक हफ्ते में कई बार आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरीके की मांग उठ चुकी है कि जब जब संदीप कुमार के मसले पर केजरीवाल से, जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे और उनकी सरकार से सवाल पूछा जाता है, तो उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है कि पहले प्रधानमंत्री की जांच हो जानी चाहिए। और उसी तरीके का आज जो चिट्ठी जो लिखी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसमें भी यही मांग की गई है कि दिल्ली सरकार तो कार्रवाई कर रही है, संदीप कुमार के भी खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन नसीहत दी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से ललिता कुमार मंगलम को कि अगर वो निष्पक्ष तरीके से जाँच करवा रही है तो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जो आरोप लगाए गए हैं, स्नूपिंग का मामला हो या बाकी तमाम अमित शाह जो बीजेपी प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ भी जो मामला हो, उसकी भी जांच उतनी ही निष्पक्षता के साथ करवाई जानी चाहिए। दर्शकों को हम चिट्ठी दिखा रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने लिखी है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि महिला जासूसी मामले में पीएम की भी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग को यह चिट्ठी लिखी गई है और अब सीएम केजरीवाल लगातार ये मांग उठा रहे हैं। तो एक ओर केजरीवाल सीधे पीएम पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के निलंबित विधायक केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें कि देवेंद्र सहरावत का कहना है कि आम आदमी पार्टी अब लड़कों का क्लब बन गई है। विडंबना की आग तपके पेट से पैदा होने वाली पार्टी देह की गर्मी में अपना शील भस्म करने के संगीन आरोप झेल रही है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक यही ताप है। दिल्ली में सीढ़ी पर सीढ़ी सामने आ रही, उधर पंजाब में टिकट बांटने के नाम पर लूटने के आरोप लग रहे हैं। जिस देवेंद्र सहरावत ने लगातार पार्टी पर सवाल उठाए और जिन्होंने चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे, वो पार्टी के कुछ विधायकों की शिकायत पर निलंबित कर दिए गए हैं। ये अपने बर्ताव से बता रहे हैं कि जो है चुनाव में जो हमने बातें कही थी उनको सीरियसली मत लीजिए, और बाकी जो उसमें कोई रोड़ा अगर जो है हमें लगेगा चाहे वो सही कह रहा हो तो उसको जो है दरकिनार कर दिया जाएगा। ये नीति है बिल्कुल साफ। मामला अनुशासन समिति के पास है, फिलहाल जांच होने तक वो निलंबित रहेंगे। लेकिन देवेंद्र सहरावत पंजाब में दंगल पर उतारू हैं। सूबे में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगाने वाले सहरावत पंजाब महिला आयोग से मिलने वाले हैं। जो सही एजेंसीज हैं, वुमेन कमीशन है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, मैं लेजिस्लेटर हूँ, मेरा काम है जनता तक आवाज उठाना, उसको सही अंजाम पर लेकर जाना। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो संवैधानिक बॉडी है, वो अपनी ड्यूटी करेगी इसके ऊपर सारी। देवेंद्र सहरावत ने पार्टी को खुली चुनौती दे दी है। उनका कहना है कि अगर पार्टी में दम है तो उन्हें निकाल कर दिखाएं। पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी उबाल पर है। टिकट बांटने के जिन आरोपों को तब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में झेला था, वही आरोप अब पंजाब में लग रहे हैं। लेकिन पार्टी कह रही है कि सब पवित्र है, जैसे दिल्ली में पवित्रता का पानी बहकर नाले में मिल रहा है, उसी तरह से पंजाब में पार्टी पर आरोप लग रहे हैं। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।